नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। ड्रेनेज सिस्टम समझने से पहले हम नदी बेसिन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। सामान्यतः तो यह माना जाता है कि नदियां पर्वतों से शुरू होती है और मैदानों में बहती हुई अंत में समुद्र के अंदर मिल जाती है, तो पर्वत उसके जन्म स्थान होते हैं। साथ ही पर्वत जो है वो जल विभाजक रेखा के रूप में भी काम करते हैं। जैसे हम ये बादल, यहाँ पर अगर बारिश हो रही है तो इस पर्वत से पानी या तो इस तरफ बहेगा या उस तरफ बहेगा। तो ये पर्वत के ढाल के ऊपर पानी गिरता है, उसके बाद वो इधर जाएगा या उधर जाएगा पर्वत तय करते हैं। इसीलिए पर्वतों को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ बारिश हुई और पानी ढाल के सहारे कई धाराओं में बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो वो नदी का रूप ले लेता है। और ये छोटी छोटी कई सारी नदियां एक बड़ी नदी के अंदर मिल जाती है, जो उस बेसिन की प्रमुख नदी होती है। और फिर धीरे धीरे वो प्रमुख नदी बड़ी बनती रहती है और आगे समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है। ये छोटी छोटी नदियां जो हैं उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है, और फिर ये जो बड़ी नदी मुख्य बीच में चलती है उसे मुख्य नदी कहा जाता है। जब दो नदियां मिलती है तो उसको संगम या कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ये नदियां जो ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो मलबा लेकर आती है और यहाँ जमा देती है, इसको हम बाढ़ के मैदान कहते हैं। और अंत में वो डेल्टा बनाते हैं, वो समुद्र के अंदर गिर जाती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है जहां से एक नदी अपना पानी इकट्ठा करती है, उसको हम कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन कहते हैं, या आजकल कई सारे नए शब्द भी आ गए हैं जिसमें हम वाटरशेड का जो जो इस्तेमाल है वो भी इनके लिए करते हैं। अब एक नदी जैसे मुख्य नदी है, इसका तो ये पूरा अपना ड्रेनेज एरिया है या कैचमेंट एरिया है या बेसिन है उसका, लेकिन उसकी जो छोटी सहायक नदियां, इसका कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज एरिया ये कहलाएगा। इस छोटी नदी का ये ड्रेनेज एरिया या ये कैचमेंट एरिया कहलाएगा, या उसका ये बेसिन है, इस छोटी नदी का बेसिन ये है। तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी नदियों के बेसिन मिलकर एक बड़ा बेसिन बनता है, उसको हम मुख्य नदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये पूरा वाटरशेड और बेसिन का कंसेप्ट है। अब हम भारत में, अगर राजस्थान में अगर बेसिन के चर्चा करें कि राजस्थान में कितने बेसिन पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए इस मैप में राजस्थान के अंदर 15 नदी बेसिन है। ये अलग अलग कलर्स आप देख सकते हो, सब अलग अलग कलर्स के हिसाब से बेसिन है। 58 सब बेसिन है, छोटे बेसिन है, और माइक्रो जो वाटरशेड है छोटे छोटे वो 541 है, लगभग 550 के आसपास है। इनमें से जो मुख्य नदी बेसिन है उसमें से लूनी, बनास, चंबल और माही, ये चार बड़े नदी बेसिन है, जिसमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर की हम बात कर रहे हैं वो बनास का है, क्योंकि उसका जो जो टोटल एरिया है वो 47,060 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर इसमें लगभग 38,000 के साथ में लूनी नदी का आता है। थर्ड जो है वो चंबल नदी का है। वैसे चंबल नदी का टोटल जो एरिया वो तो 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में उसमें से 31,242 स्क्वायर किलोमीटर ही पड़ता है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली जो माही नदी है, इसका जो राजस्थान में एरिया वो भी 16,453 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो बेसिन है वो बनास का है, सेकंड लूनी, थर्ड चंबल और फोर माही, और ये चार बड़े बेसिन है। इसके अलावा छोटे छोटे नदी बेसिन आप यहाँ देख सकते हैं, साबरमती का, बनास का, सुकली सुकली का, इस तरह से पार्वती, गंभीर, बाणगंगा, रूपारेल, साबी। ये जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाला, इसको आउटसाइड बेसिन भी कहते हैं, और यहाँ थोड़ा गग्गर का भी ड्रेनेज बेसिन पड़ता है। राजस्थान में भारत का जितना भी सरफेस वाटर है उसका 1.16% भाग राजस्थान में अवेलेबल है। हम जानते हैं कि भारत के लगभग 10.5% हिस्से पर राजस्थान फैला हुआ है, 5.5% पॉपुलेशन भी है, लेकिन उसकी तुलना में जो मीठा पानी है वो लगभग 1% ही है, जो काफी कम है। राजस्थान में सबसे कम नदियां ये बीकानेर संभाग में देखने को मिलती है, और ऐसा मानते हैं कि बीकानेर और चूरू में तो कोई नदी ही नहीं है। सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग के अंदर यहाँ प्रवाहित होती है। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन करने के लिए नई राजस्थान की जल नीति घोषित की थी सन 2010 के अंदर। अब हम ये जो राजस्थान के 15 बेसिन हैं, उन बेसिन को अलग अलग तीन जल अपवाह तंत्र के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं अपवाह तंत्रों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र है, उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वत है, और वो पर्वत ही जल विभाजक रेखा के रूप में काम करता है, ना केवल राजस्थान, भारत के लिए भी वो जल विभाजक रेखा का काम करता है। तो राजस्थान जो है उसमें तीन तरह के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र या भूमिगत अपवाह तंत्र। इसमें क्या होता है, नदी किसी समुद्र तक नहीं पहुंचती है, कहीं से निकलती है लेकिन वो आगे रेतीले धरातल में अपने आप विलीन हो जाती है, तो उसको हम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, या किसी झील में गिर जाती है। ऐसा जो अपवाह तंत्र है वो बाड़मेर में यहाँ से शुरू होकर के इस तरह से चलता है बाणगंगा नदी तक, ये पूरा नॉर्थ राजस्थान भी आ गया, वेस्ट का ये कुछ राजस्थान का हिस्सा भी इसमें आ जाता है।
दूसरा अरब सागर का अपातंत्र, ये जो लाइन आप दिख रहे हैं लाल, इसमें से इधर वाला जो एरिया है वहां बहने वाली सारी नदियां अरब सागर की तरफ अपना पानी लेके जाती है, इसलिए उनको अरब सागरीय अपातंत्र में सम्मिलित करते हैं। और इसमें माही और नूनी दो बड़ी नदियां हैं, इसके अलावा छोटी छोटी नदियां भी हैं जिसमें साबरमती और पश्चिमी बनास प्रमुख है। अगर हम तीसरा देखें बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र, तो ये जो लाइन है उसके इस तरफ जितनी भी रिवर्स है जिसमें चंबल और बनास प्रमुख है, ये ले जाती है अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इसको, इन सभी नदियों को हम बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र कहते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में तीन अपातंत्र हो गए, इधर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ये अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। अब जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं उसमें गग्गर, कांतली, साबी, काकनी, रूपारेल, मेढा, रूपनगढ़, बाणगंगा, ये सारी नदियां आंतरिक अपातंत्र के उदाहरण है। अरब सागर के अंदर जाने वाली चार नदियां हैं जिसमें से लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो जोजरी, मिठड़ी, बांडी, गुहिया, सागी, सुकड़ी, जवाई, खारी और लालड़ी आदि। साबरमती की सहायक मानसी और वाकल, माही की सहायक सोम और जाखम। अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो यहाँ चंबल प्रमुख नदी है जो इस तरफ बहती है, और इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें बनास, काली सिंध और पार्वती है। बनास की जो सहायक नदियां उसमें बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, मेज और गंभीरी। काली सिंध में आहू, परवन, उजाड़ और नेवच। पार्वती में विलास और लहसा। तो ये इनकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ दो बातों का आपको ध्यान में रखना है, एक तो कौन सी नदी किस ड्रेनेज सिस्टम में बहती है। जैसे आपसे पूछेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, इनमें से कोई एक आपको चूज करनी पड़ेगी। कौन सी नदी अरेबियन सागर के अपातंत्र में आती है, तो इनमें से सारी नदियां इधर ही आती है, इनके साथ बहने वाली कोई भी नदी इन्हीं के अरब सागर में ही जाएगी, और ये सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में है। तो कोई भी नदी का नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछेंगे कौन सी नदी किसकी सहायक है, यानी कि मुझे कोठारी नदी किसकी सहायक है, तो बनास की। बनास के साथ साथ ये चंबल की भी सहायक होगी क्योंकि ये बनास चंबल में ही जाके मिलती है। इसी तरह से आपके सुकड़ी किसकी सहायक है, तो लूनी की सहायक है, या जोजरी किसकी सहायक है, तो लूनी की सहायक है। इस तरह से दो तरह से ये सवाल आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे, और राजस्थान के अपातंत्र को हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी तक कैसे पहुंचता है। यहाँ अरावली है, ये जल विभाजक रेखा है, और यहाँ ये चंबल नदी निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत है इसकी श्रेणी से, और यहाँ से ये पूरा पानी यहाँ इकट्ठा होता है यहाँ तक। यहाँ जाने के बाद इधर से यमुना नदी है, और अगला जो हिस्सा है वो यमुना नदी के द्वारा तय होता है, और यहाँ यमुना नदी गंगा में मिल जाती है तो वो जाके बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो इस तरह से ये सारा जो पानी है वो तीन नदियों के माध्यम से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो भी पानी इधर माही से लेकर हम लूनी तक की बात करें तो सीधा अरब सागर में यहाँ चला आता है, और शेष भाग जो है वो आंतरिक अपवाह जल तंत्र के अंदर आता है। अब हम राजस्थान में इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान से समझते हैं, और इसमें सबसे पहली नदी की हम जिक्र करेंगे वो है गग्गर नदी। ये जो गग्गर नदी है ये लगभग 465 किलोमीटर लंबी है, हालांकि इनकी लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होती आंतरिक प्रवाह वाली, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अनुमान है। ये नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी है हिमालय पर्वत की, उस श्रेणी से निकलती है, जगह कालका के पास ही है। हालांकि कालका जो है वो तो हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, लेकिन फिर भी उसके जस्ट निकट ही आगे बॉर्डर ही आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में ये शिवालिक श्रेणी से नदी निकलती है, और वहां निकलने के बाद हिमाचल के बाद ये हरियाणा में आती है, हरियाणा से फिर यह हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये आगे गंगानगर में सूरतगढ़ जगह है, वहां सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के आसपास ही भूमिगत हो जाती है। इनकी दूरियां कभी भी फिक्स नहीं रहती क्योंकि ज्यादा बारिश अगर हो जाती है तो नदी आगे तक बह जाती है, कम होती है तो और पहले ही सूख जाती है, इसलिए जगह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अनुमानतः यह सूरतगढ़ के अंदर ये भूमिगत हो जाती है। इस नदी को भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक माना जाता है, और भारत की ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की भी भारत की भी सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह वाली। इस नदी को मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि डेड रिवर, आगे वाला जो इसका बेड है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। लोकल यहाँ हनुमानगढ़ और इसके लोकल जो लोग हैं वो इसको नाली कहते हैं, और साथ ही इसको सरस्वती नदी की सहायक नदी या सरस्वती का अवशेष भी माना जाता है। हम जानते हैं कि वैदिक सरस्वती के अंदर ये मानते हैं कि एक यहाँ पर नदी बहती थी, तो उसका अगला जो हिस्सा है वो किस तरह से यहाँ दिखी। अभी भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो नदी यहाँ से बह के पाकिस्तान तक चली जाती है, जहाँ अब्बास फोर्ट एक जगह है, वहां हकरा कहा जाता है उसको, और इसी हकरा से आगे अगर हम देखें तो यही सरस्वती नदी का बेड, और इसकी पुष्टि तो नासा भी कर चुका है, इसरो भी कर चुका है कि यहाँ कोई नदी नीचे से बह रही है, तो ये सरस्वती का बेड, और वो आगे जाके फिर पूरा अरब सागर के अंदर वो मिल जाती है। इस तरह से ये गग्गर नदी है आंतरिक अपातंत्र वाली सबसे बड़ी नदी भारत के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। अगली कुछ और नदियों की बात करेंगे तो ये काकनी नदी है। काकनी नदी कोटड़ी गांव से निकलती है जैसलमेर में, और वहीं एक बुच करके झील है उसके अंदर गिर जाती है। ये राजस्थान की सबसे पश्चिमी नदी भी है।
साथ ही कांतली ये सीकर में निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से और झुंझुनू में भूमिगत हो जाती है। सावी नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर में और फिर उसके बाद हरियाणा में जाके भूमिगत हो जाती है। रूपारेल नदी अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में भूमिगत होती है। मेड़ा नदी जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलकर नागौर में जाती है और उसके बाद ये सांभर झील के अंदर गिर जाती है। रूपनगढ़ नदी अजमेर में सलेमाबाद जो कि किशनगढ़ में स्थित है वहां से निकलकर नॉर्थ की तरफ बहती है और सांभर झील के अंदर ही गिर जाती है। एक नदी है बाणगंगा, ये जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में इसका पानी इधर उधर फैल के इसका सारा फैल जाता है और फिर वो वहीं समाप्त हो जाती है। इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कारण उसका ये माना जाता है कि जब पांडव वनवास के लिए आए थे तो अर्जुन ने यहाँ अपने शस्त्र रखे थे और जब वनवास खत्म करके वो वापस जा रहे थे तो अपने शस्त्रों के शुद्धिकरण के लिए उन्होंने माँ गंगा का आह्वान करके एक तीर जमीन में लगाया था और उस तीर से वो पानी बाहर आया था, तो इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है या बाण गंगा, बाण चलाकर जो गंगा बनाएगी बाण गंगा भी कहा जाता है। इस नदी की सबसे इंपॉर्टेंट देन है केवलादेव घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो पानी यहाँ जाके सारा फैल जाता है, हम एक तरह से कह सकते हैं इनलैंड डेल्टा बनाती है, जमीन के ऊपर डेल्टा, सारा पानी इधर उधर बिखर के वहां वो वेट लैंड है जिसे हम नम भूमि कहते हैं वो बनाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है उसका अस्तित्व ही इस बाणगंगा नदी की वजह से है, अदरवाइज वहां ऐसी कोई नम भूमि बनने का चांस नहीं, लेकिन इसी नदी की वजह से ये बनती है। 240 किलोमीटर लगभग ये लंबी होगी, तो ये पूरा जो एरिया है वो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ये देखिए ये बाणगंगा नदी द्वारा बनाया गया वो केवलादेव, इस तरह के सारा कीचड़ दलदल है जो पक्षियों को काफी आकर्षित करता है, ये देखिए इस तरह की चीजें वहां पर मौजूद हैं, ये सारी तो इसी नदी की वो देन है। यस, ये सारा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम था। अब हम बात करेंगे अरब सागर के अपातंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी, और जब इस ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो लूनी नदी का नाम सबसे पहले आता है और ये इस तरह से राजस्थान में बहती है। सबसे पहले हम इसको मरुस्थल की आशा कहते हैं, होप ऑफ डेजर्ट, या हम मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट, या थार के डेजर्ट की सबसे लंबी नदी है। इसके उद्गम को लेकर हम कहते हैं, जहां सामान्यतः लिख दिया जाता है कि वो नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर से, लेकिन सच ये है कि नाग पहाड़ जो है वहां उसके वेस्ट में दो नदियां हैं, सरस्वती और सागरमती। ये दोनों नदियां अजमेर में बिल्कुल बॉर्डर की तरफ, इधर एक जगह गोविंदगढ़, वहां ये दोनों आपस में मिलती है और मिलने के बाद ही इसको लूनी कहा जाता है, इससे पहले इनको लूनी नहीं कहते। तो वहां से ये शुरू होती है दोनों नदियों के मिलने से, तो अजमेर से फिर ये आगे नागौर में बहती है, उसके दक्षिणी हिस्से में, पाली के उत्तरी हिस्से में बहती है, फिर जोधपुर के बिल्कुल दक्षिण दक्षिण वाले हिस्से में, देन ये बाड़मेर में प्रवेश करती है और यहाँ पहुंचती है जहाँ बालोतरा जगह है। उस बालोतरा से दक्षिण में मुड़कर आगे जालौर, और जालौर होते हुए ये नदी आगे चली जाती है गुजरात के अंदर, और रन ऑफ कच्छ जो है उसमें उसकी पानी की जो धाराएं हैं वो इधर उधर बिखर के छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड होके फिर ये आगे अरब सागर के अंदर, या हम जिसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, उसके अंदर गिर जाती है, या उसमें मिल जाती है। नदी की जो टोटल लंबाई है वो 495 मीटर के आसपास है, और इस नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा रहता है। एक्चुअली यहाँ बालोतरा है, इस तरफ अगर देखेंगे इधर पचपदरा है और इधर बायतू है, तो इन तीनों के बीच में ये बालोतरा सबसे नजदीक पड़ता है, और वहां से ये जब साउथ में मुड़ती है तो नदी का पानी खारा हो जाता है, क्योंकि बालोतरा और साचौर को हम रण ऑफ कच्छ का ही हिस्सा मानते हैं, तो वो खारा पानी है सारा, तो उसके अंदर आके मिल जाता है। तो वो यहाँ बालोतरा से वो दिशा भी बदलती है और साथ ही वो पानी भी खारा हो जाता है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कभी कभी अजमेर की तरफ ज्यादा बारिश हो तो सारा पानी निकल के यहाँ आता है और बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बालोतरा बहुत नीचा है, मीन सी लेवल के आसपास है, तो बहुत जल्दी फ्लड एरिया जो है वो यहाँ पर महसूस किया जाता है। इस नमक की वजह से इस नदी को लवणावरी, लवणवती, लवणाद्री ऐसे संस्कृत भाषा में कई सारे नाम दिए गए हैं। अगली रिवर अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो छोटी छोटी नदियां बहती है, एक पश्चिमी बनास, ये आबू पर्वत से निकलकर कच्छ की खाड़ी में ही गिरती है, लूनी और बनास दोनों ही कच्छ की खाड़ी में गिरती है। दूसरी नदी है साबरमती जो कि उदयपुर के पश्चिमी अरावली के ढालों से निकलती है और आगे गुजरात में बहती है। ये अपने टोटल ड्रेनेज सिस्टम का केवल 1% ही हिस्सा है जो यहाँ अरावली राजस्थान के अंदर बहता है, बाकी वो गुजरात के अंदर चली जाती है। इस तरह से दोनों छोटी छोटी नदियां जो राजस्थान में कम एरिया नहीं रखती है। इस तरफ एक बहुत बड़ी नदी है माहि, जो 583 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, और ये नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, उस विंध्याचल पर्वत में एक जगह अमरोल, वहां से निकलकर ये इस तरफ बहती है और राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू नामक जगह से प्रवेश करती है। उसके बाद ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में थोड़ी देर के लिए सीमा बनाती है, फिर यू टर्न लेकर ये वापस डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा रेखा बनाती हुई आगे की तरफ चलती है, फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये नदी खंबात की खाड़ी के अंदर जाके मिल जाती है। याद रहे ये दोनों कच्छ की खाड़ी में गई थी इस तरफ वाली, और ये जो साबरमती और माही है ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये दोनों कच्छ की खाड़ी, ये दोनों खंबात की खाड़ी में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये नदी पहले
साउथ टू नॉर्थ और फिर नॉर्थ टू साउथ आती है, इसीलिए ये कर्क रेखा को दो बार क्रॉस कर लेती है, यहाँ दो बार कटने, और अंग्रेजी का उल्टे यू अक्षर जैसा शेप बनता है इसका राजस्थान के अंदर। इस नदी की भी कई सारी सहायक नदियां, जिसमें से एक सोम नदी है जो कि उदयपुर में सोम गांव बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित है, वहां से निकलती है, उदयपुर डूंगरपुर के बीच में बाउंड्री बनाती है, और बैनेश्वर में आके ये माही में मिल जाती है। प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलकर जाखम नदी यहाँ सोम में मिलती है, और फिर दोनों एक साथ यहाँ माही में मिल जाती है। ये चेप नामक छोटी नदी है और ये अनास छोटी नदी है, एक इस तरफ से आगे मोरन नदी भी इसके अंदर गिरती है, तो इस तरह से ये माही नदी का पूरा अपवाह तंत्र बनता है। यहाँ पर एक जो माही सागर डैम है वो बनाया गया है, और यहाँ गुजरात में कड़ाणा डैम भी इसी के ऊपर स्थित है, वो बिल्कुल यहीं पर है। कड़ाणा का डैम बैक वाटर जो है वो राजस्थान में है, और माही बजाज सागर है उसका बैक वाटर मध्य प्रदेश में भी जाता है। ये देखिए माही नदी का अपवाह तंत्र, ये इतना राजस्थान में है, यहाँ पर वो डैम है माही बजाज सागर, और ये कडाणा बांध है, इसका बैकवाटर इस तरफ यहाँ आता है। सबसे ज्यादा इसका अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर ही है, 16,543 स्क्वायर किलोमीटर। ये इस तरह का वो डैम है, 1972 में शुरू किया गया था इसका काम, 1983 में ये खत्म हो गया, माही बजाज सागर डैम कहते हैं। डैम की बात हम अगले किसी और वीडियो में पर्टिकुलर और भी करेंगे। ये लूनी नदी का पूरा बेसिन है, जिसमें हम देखते हैं कि पाली जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें इसका बेसिन सबसे ज्यादा है, लगभग 33% के आसपास, 23% के आसपास। जालोर दूसरा बड़ा जिला है जिसमें लूनी नदी का अपवाह तंत्र है, और बाकी इन सारे जिलों में इधर नागौर से लेके अजमेर से लेके बाड़मेर और इधर उदयपुर में भी थोड़ा थोड़ा इसका अपवाह क्षेत्र पड़ता है। अब जब हम लूनी नदी की बात करते हैं, तो ऐसी कई छोटी छोटी नदियां हैं जो लूनी नदी के अंदर आकर और मिलती है, और उन लूनी नदी की में जो छोटी छोटी नदियां मिलती है उसमें एक जोजरी नदी यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो नदी है उसमें राइट हैंड से, लूनी नदी में राइट हैंड से आकर मिलने वाली एक ही नदी है जिसका नाम जोजरी है, और ये नागौर से निकलकर जोधपुर की ओर से इसमें गिरती है। उसके बाद इस तरफ से जितनी भी नदियां जाती है वो सारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ऐसे बहती सीधी वेस्ट साइड में, जिसमें से अगर हम एक एक अगर आइडेंटिफाई करें तो जैसे ये गुहिया नदी है यहाँ पर, उसके बाद ये सुकड़ी नदी है, सुकड़ी से नॉर्थ में एक मांडी नदी भी इधर से निकलकर यहाँ इस तरह से बहती है, ये जवाई नदी है उदयपुर से निकलकर इस तरह से ये बहती है, ये खारी नदी है जो जवाई में मिल जाती है, इससे आगे अगर हम देखें ये सागी नदी है, तो इस तरह से छोटी छोटी कई सारी नदियां जो अरावली की इन पहाड़ियों से निकलकर सीधी लूनी की तरफ जाके बहती है। अब हम आगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे, तो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उसमें से चंबल की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि 965 किलोमीटर लगभग लंबी है। यहाँ देखिए ये नदी इस तरह से आती है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, महू करके जगह झनापाव पहाड़ियां हैं वहां पे, और वहां से निकलकर ये नदी रावत भाटा में भैंसरोडगढ़ जगह से राजस्थान में एंटर करती है। इधर मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ है, यहाँ भैंसरोडगढ़ है, वहां से होती हुई फिर ये नदी आगे कोटा और बूंदी के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती हुई यहाँ तक पहुंचती है, और यहाँ पहुंचने के बाद इतनी सीमा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाती है जो लगभग 250 किलोमीटर लंबी है। भारत के किन्हीं दो राज्यों के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली ये सबसे लंबी नदी है, 250 किलोमीटर लंबी बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री दो राज्यों के बीच में सबसे लंबी है। और फिर उसके बाद ये आगे यहाँ चली जाती है, और यहाँ से फिर यमुना नदी आती है, उसमें वो इटावा के पास वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, तो इस तरह से ये रिवर जो है वो पूरी अब राजस्थान के अंदर बहती है। यहाँ राजस्थान में जो टोटली इसका जो एरिया है वो काफी कम है, 135 किलोमीटर के आसपास ही जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहता हुआ, अदर इसके अलावा ये 250 किलोमीटर वो बाउंड्री बनाती है। ये वर्ष भर बहने वाली नदी है, यहाँ कभी नहीं सूखती, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। ये नदी गॉर्ज बनाती है, ये नदी बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, और ये नदी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के अंदर से होके भी बहती है। इन सारी टर्म्स को हम थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले इसके ड्रेनेज सिस्टम को समझ लेते हैं। तो चंबल नदी के बाद अगली जो यहाँ बेसिक मेजर रिवर है वो बनास नदी है, 480 किलोमीटर लंबी है, और ये नदी यहाँ राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके बाद ये चित्तौड़, फिर भिलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, फिर टोंक, और फिर सवाई माधोपुर में बहने के बाद ये रामेश्वरम जो जगह है वहां पर ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। इसको होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, वन की आशा, इसीलिए बनास कहते हैं, वन की आशा के नाम से ये शब्द जाना जाता है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में इसका बेसिन भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद बेड़च, इसकी एक और सहायक नदी है जो उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयपुर के बाद चित्तौड़ में बहती हुई बिलवाड़ा के अंदर बिगोद जगह है, वहां ये बनास के अंदर आके मिल जाती है। यहाँ एक झील है जिसका नाम है उदय सागर, और इस झील से पहले इसी नदी को आयड़ कहा जाता है, जिसके किनारे उदयपुर बसा हुआ है। अगली कोठारी नदी है जो दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है, और बिलवाड़ा में बहती हुई नांदराई करके एक जगह है, वहां बनास में आके मिल जाती है।
तीसरी नदी है गंभीर, ये फिर मध्य प्रदेश की तरफ से आती है, वहां जावत की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़ में बहती हुई चित्तौड़गढ़ के किले के पास है, चित्तौड़ नगर के पास ही ये बेड़स में मिल जाती है। चित्तौड़ इन दोनों नदियों के संगम पर ही स्थित है। इस तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसमें से काली सिंध, जिसको हम कहेंगे कि राइट हैंड वाली जो नदियां, ये सारी नदियां लेफ्ट हैंड से इसमें चंबल में आके मिल रही थी। लेफ्ट और राइट हैंड का मतलब यह है कि जिस दिशा में नदी अपना पानी लेके जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नदी का लेफ्ट हैंड कहलाएगा, आपका जो राइट हैंड है वो नदी का राइट हैंड कहलाएगा। तो राइट हैंड से जो नदियां इसमें मिलने वाली है उसमें से काली सिंध सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी मध्य प्रदेश में देवास से निकलती है और झालावाड़ के बाद कोटा से बहती हुई नानेरा के पास ही चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश में निकलती है और 12 जिले में बहने के बाद ये थोड़ी यहाँ बाउंड्री लाइन बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, और फिर ये पलिया नामक एक जगह है वहां जाके ये नदी चंबल को ज्वाइन कर लेती है। इसके साथ ही छोटी छोटी नदी जैसे परवन नदी यहाँ से बहती हुई कोटा के अंदर काली सिंध में मिल जाती है। आहू जो नदी है वो भी झालावाड़ में बहकर इस तरह से इसको काली सिंध को ज्वाइन कर लेती है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से, चाहे माही की बात हो या इन सारी नदियों की बात हो, मध्य प्रदेश की तरफ से निकलकर जो नदियां राजस्थान में एंटर करती है वो सारी विंध्याचल पर्वत से निकलती है ऑलमोस्ट, और ये सारी नदियां दक्षिण से निकलकर उत्तर की तरफ बहती है। इनके डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनका पूर्व से पश्चिम सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू और चंबल है। अब इसी तरह से ये सारी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर आप देखेंगे बाणगंगा भी इसी तरह की नदी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो सारी इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। गंगर राजस्थान की सबसे उत्तरी नदी है, चंबल सबसे पूर्वी नदी है, कांकरी सबसे वेस्ट वाली रिवर है, और ये जो माही है वो सबसे दक्षिणी नदी भी कही जाती है राजस्थान के अंदर। तो इस तरह का इसका पूरा अपवाह क्षेत्र है। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी का अपवाहतंत्र है, ये सारी नदियां यहाँ से अगर हम देखें तो अरब सागर का अपवाहतंत्र है, और ये सारी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली नदियां हैं। यहाँ हम दो टर्म बात कर रहे थे चंबल की, एक तो गॉर्ज जो शब्द है, गॉर्ज क्या है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये गांधी सागर है और ये राणा प्रताप सागर है। डैम की बात हम आगे और करेंगे। तो यहाँ से लेकर ये लगभग 100 किलोमीटर लंबा ऐसा दायरा है जहां पर फॉल्ट पड़ गए हैं। फॉल्ट पड़ने के बाद ये नदी के दोनों हिस्से तो ऊपर है लेकिन बीच वाला हिस्सा नीचे धस गया, तो वो खड्डा बन गया है। उस खड्डे से होकर ये नदी बहती है, आप यहाँ देख सकते हैं सेटेलाइट इमेज के अंदर, ये दोनों ढाल ऊंचे हैं और बीच में गड्ढा है, और वो फॉल्ट पड़ने से वो गड्ढा बना है, वो गार्ज का निर्माण, इसलिए हम कहते हैं कि ये नदी पूरी उसमें बहती है और फिर नदी इरोजन करके उसको और गहरा बना देती है, तो उसको हम गार्ज कहते हैं। तो ये लगभग 100 किलोमीटर लंबा पूरा दायरा है जिसमें ये नदी गार्ज के अंदर बहती है। अगर आप रियल तस्वीर में देखेंगे तो ये इस तरह से है। अब देखिए इधर भी और इधर भी दोनों तरफ है, और ये सीधा आई आकार के स्लोप होते हैं, आई आकार की घाटी को ही हम गार्ज कहते हैं, ऐसा सीधा स्ट्रेट जाता है। और दूसरी चीज हम ब्रंज घाटी कह रहे हैं, एक्चुअली ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो यहीं से शुरू होता है, ये जो रावतभाटा वाला हिस्सा है वहीं से वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट शुरू होता है, वो रायबरेली तक उत्तर प्रदेश में ऐसा पतला पूरा पूरा फॉल्ट है, इसलिए इसको हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में बहने वाली नदी भी कहते हैं, गार्ज बनाने वाली नदी भी इसको कहते हैं, और हमेशा बहने वाली नदी भी चंबल को कहा जाता है। यस, एक शब्द और इससे जुड़ा हुआ, बेडलैंड टोपोग्राफी। एक्चुअली क्या होता है, जब नदी के दोनों तरफ वाला हिस्सा ऊंचा है तो वहां बारिश का पानी जब नीचे बारिश का पानी गिरता है तो नीचे उतरते समय नदी अपरदन करती है। अब देखिए सारे छोटी छोटी नालियां बन जाती है, इस तरह से कैसा अपरदन हो रहा है यहाँ पर भी देखिए किस तरह से अपरदन हो गया, छोटी छोटी नालियां बन जाती है यहाँ पर। तो इस तरह की भूमि को हम बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। अगर आप रियल में तस्वीर देखना चाहो तो इस तरह का, आप देखिए कैसे इरोजन हो गया है सारा इस तरह से। एक और तस्वीर में यहाँ देखिए छोटा छोटा इरोजन हो गया और ये वापस पानी जो है वो सारा मुख्य नदी में चला जाता है। ऐसी जो टोपोग्राफी होती है उसको हम बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। कुछ काम नहीं आती, खेती नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली सारा हो रहा है गुली इरोजन की वजह से। गुली इरोजन का मतलब है नाली अपरदन या अवनली का अपरदन भी कहते हैं, छोटे छोटे ऐसे अपरदन होते हैं नाली के रूप में, ऐसे आपने कई बार देखे होंगे बारिश के अंदर इस तरह की अपरदन हो जाता है, तो ये जमीन कुछ काम की नहीं होती थी, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हम, इसलिए इसको बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। रेवाइंस कहते हैं, चंबल के रेवाइंस काफी पॉपुलर है शब्द भी, डांग क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, उत्खात भूमि भी कहते हैं, और बीहड़ भी कहते हैं, चंबल के बीहड़ आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, पहले जमाने में डाकुओं की शरणस्थली के लिए भी ये बहुत पॉपुलर थे कि चंबल के बीहड़ में डाकू पाए जाते हैं, ऐसा हम कहते हैं डाकू इसलिए क्योंकि इस तरह की जमीन में कोई भी छुपा रहा हो तो पुलिस का पहुंचना बहुत मुश्किल है, सड़कें नहीं है, तो इसलिए वो छुपने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए हम चंबल के बीहड़ भी इसको कहते हैं। अभी जो चंबल का बीहड़ है वो कहाँ पाया जाता है, वैसे तो ये पूरा जो बेल्ट है वो बीहड़ वाली भूमि ही है, लेकिन जो हाड़ौती का क्षेत्र है इसमें क्या वो कठोर चट्टाने हैं तो इतना अपरदन नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही हम मैदान की तरफ प्रवेश करते हैं
गंगा का मैदान करीब आता जाता है तो आसानी से इरोजन होने वाली ऐसी मिट्टी मिलती है तो उसका आसानी से इरोजन हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पाए जाते हैं। यहाँ इनका एरिया ज्यादा है बनिस्पत के साउथ की तुलना में। तो ये पूरा जो रीजन है उसको हम बीहड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं या बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अब हम राजस्थान की जो त्रिवेणी संगम है उनकी बात यहाँ पर करते हैं। तो राजस्थान के अंदर चार जो त्रिवेणी संगम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बैणेश्वर का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पर आप देखिए ये माही नदी, इधर से सोम और इधर से जाखम, ये तीनों नदियां यहाँ आपस में मिलती हैं और इसको हम बैणेश्वर कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से डूंगरपुर में पड़ता है। दूसरा रामेश्वरम है जहाँ चंबल, बनास और सीप, ये तीन नदियां मिलती है। चंबल और बनास तो हमने पहले मिलाई थी लेकिन यहाँ पर देखिए सीप नदी मध्य प्रदेश की तरफ से आकर इसमें मिलती है। इसको हम रामेश्वरम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। अगर इसको इमेज में देखेंगे तो ये देखिए ये चंबल नदी है, इधर से आके बनास और इधर से आके सीप नदी इसके अंदर मिल जाती है। तीसरा है बिगोद, बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीन नदियां यहाँ पर मिलती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चौथा है राजमहल, राजमहल टोंक के अंदर बनास, खारी और डाई, तीन नदियां यहाँ आपस में मिलती है। खारी नदी अजमेर में बहती हुई इस तरह से यहाँ आके इसमें मिलती है। तो ये चार काफी चर्चित त्रिवेणी संगम राजस्थान के अंदर माने जाते हैं। इसमें से बैणेश्वर जो है इसको अगर आप मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सोम और जाखम दोनों यहाँ मिलती है। उसके बाद 15 किलोमीटर लगभग बहने के बाद में ये नदी इधर से माही आती है और ये जो सोम है वो इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन इसका मिलन दो जगह होता है, एक तो यहाँ सीधी मिल जाती है और एक यहाँ से ये मिलती है। मेन संगम है वो ये वाला है और ये बीच में एक टापू बन जाता है। इस टापू को ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम करके यहाँ और बता रहा हूँ। ये देखिए ऐसा टापू है, पहले तो ये दोनों यहाँ कनेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ भी कनेक्ट होती है, बीच में वो टापू बन जाता है और उसी टापू को हम कहते हैं बैणेश्वर, जहाँ बहुत बड़ा मेला भी भरता है, आदिवासियों का कुंभ भी हम उसको कहते हैं और प्रशासनिक दृष्टि से डूंगरपुर में पड़ता है। अब हम राजस्थान के जो वाटरफॉल है उनकी बात करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले चुलिया वाटरफॉल की बात करते हैं, जो राजस्थान का एक बड़ा सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। 18 मीटर की हाइट से पानी यहाँ नीचे गिरता है। ये जगह है यहाँ पर देखें भैंसोटगढ़ के आसपास और ये सबसे बड़ा है। अगर इसको तस्वीर में देखेंगे इस तरह से पानी नीचे की तरफ गिरता है, काफी मजबूत चट्टाने यहाँ पर मौजूद है चंबल नदी में। और जिला चित्तौड़ पड़ेगा क्योंकि भैंसोटगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है। अगला है मैनाल वाटरफॉल, ये चित्तौड़गढ़ जिले में मैनाल नदी के ऊपर है। यहाँ 46 मीटर की हाइट से पानी नीचे की तरफ गिरता है, 150 फीट भी हम कह सकते हैं, तो उतनी हाइट से यहाँ पानी नीचे गिरता है। ये याद रहे कहीं कहीं इस कई गाइड बुक में और किताबों में लिख दिया जाता है कि भिलवाड़ा के अंदर है, लेकिन ये चित्तौड़ की बैगू तहसील में है। डिस्ट्रिक्ट हमेशा चित्तौड़ ही सही करिएगा इसका, चित्तौड़ के अंदर ही मौजूद है। इसको हम लाइव तस्वीर के रूप में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये पानी नीचे की तरफ गिरता है। काफी पुराने यहाँ पर मंदिर भी है, सीधा पानी नीचे की तरफ गिर रहा है 45 मीटर की हाइट से, 46 मीटर की हाइट से। थोड़ा दूर से देखेंगे तो देखिए नदी इधर से आती है और यहाँ से आके ये पानी इस तरह से नीचे गिराती है और ये वो मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान के जो वाटरफॉल है उसमें से गैफरनाथ कोटा के अंदर है, भीमताल, बूंदी, दमोह, धौलपुर, ये ध्रुदहिया जो कि सिरोही में माउंट आबू के पास है, गेबर जी वाटरफॉल जो कि अलवर के अंदर है, इस तरह से कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल और भी राजस्थान के अंदर मौजूद है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ शहर जो किसी नदी के किनारे स्थित है, अक्सर ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चंबल नदी है, जिसमें से रावतभाटा और कोटा ये दोनों इसी नदी के किनारे पर है, चंबल के किनारे पर। बारा जो है वो पार्वती नदी के किनारे है, झालावाड़ जो है वो काली सिंध नदी, बांसवाड़ा चेप नदी, उदयपुर आहड़ नदी है जिसे हम बेड़च भी कहते हैं, आबू रोड जो है वो पश्चिमी बनास के किनारे पर है, जालोर जो सिटी है वो सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है, बालोतरा लूनी नदी के किनारे पर, पाली देखे तो बांडी नदी के किनारे पर स्थित है, बांडी पाली, चित्तौड़गढ़ ये बेड़च और गंभीरी इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, भिलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ बनास नदी बहती है और बनास के किनारे दो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, टोंक और सवाई माधोपुर। इसके अलावा राजसमंद के अंदर जो नाथद्वारा है ये भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, जयपुर ढूंढ नदी के किनारे, हनुमानगढ़ गग्गर नदी के किनारे, इधर सूरतगढ़ और अनूपगढ़ भी उसी के किनारे क्योंकि वहीं पर नदी है, ये एक ही नदी है वहां पर। नदियों के किनारे शहर कैसे बसते हैं इसको देखिए, चंबल नदी है और ये पूरा कोटा बसा हुआ है यहाँ पर, देखिए पूरा कोटा है यहाँ पर। और इसी तरह का एक उदाहरण हम यहाँ पाली में भी देख सकते हैं, ये पाली शहर है पूरा और देखिए ये किस तरह से बांडी नदी यहाँ से होके बह रही है। वैसे अगर देखें हम तो सारे गांव, मोहल्ले जो भी है, शहर है बड़े बड़े, वो किसी नदी, झील या तालाब के किनारे ही स्थित होते हैं, तो और किसी न किसी नदी, झील, तालाब के किनारे, लेकिन ये कुछ मेजर जो शहर थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब हम इस जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। राजस्थान को कुल कितने नदी बेसिनों में विभाजित किया गया है?
राजस्थान की नई राज्य जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान में जल विभाजक रेखा किस पर्वत द्वारा निर्धारित की जाती है? अरब सागरीय पातंत्र में सम्मिलित किन्हीं चार नदियों के नाम बताइए। कोठारी किस नदी की सहायक नदी है? सांबर झील में गिरने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बताइए। रामेश्वरम त्रिवेणी संगम किस जिले में स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसके अलावा मैंने इस मैप में कई सारी नदियां आपके लिए छोड़ी हैं जिनके नाम यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन नदियों को देखें, इनको पहचानें और इनके नाम बताएं कि सारी कौन कौन सी नदियां यहाँ पर मौजूद है। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।